भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, जगत ज्येष्ठ जगत सेठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेलन शिखर जी की, अहिंसा मई जैन धर्म की, भगवान आदिनाथ के जन्म एवं तप कल्याण की पूर्व संध्या आज हम पुनः विराजमान हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जाने जाते हैं गणतंत्र प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावनायुक प्रस्तोता एवं सम्यक श्रमण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को, अपनी जीवनधारा को प्रबुद्ध करने में सफल हो पा रहा है और अपनी जीविका को बढ़ा करके जीवन धन कर पा रहा है, ऐसे गुरुदेव चरणों में हम बैठ करके आज अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में आप सबका एवं उन सबका जो पारस चैनल, जनवाई चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, सबका गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के आशीष से आच्छादित हों। अतः मेरे साथ उच्चारिये, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है, इस पर कारण बने आप माता जी का सम्मान, इसमें कारण बने आप, आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता। आज ही बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी उदात्त भाव को प्रकट किया है और गाते हैं, संबद्ध हुए हैं। श्रीमती चंदा देवी, चंदा रानी जैन सागर, तो बोलने हैं लगेगा। अच्छा, गुरुदेव का आदेश है, परम पूज्य आरिका सफलमती माता जी विराजमान है प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए, उनसे निवेदन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान प्राप्त करें, उसके बाद में गुवाहाटी से संबद्ध लोगों को यहाँ बुलाऊंगा। और नमस्ते महाराज जी, माइक तो माइक बोलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। पंचम काल में मोक्ष भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है, रास्ता कौन से आए महाराज? उधर देखो, मोक्ष तो नहीं है पर सम्यक दर्शन है। न केवल सम्यक दर्शन है अपितु रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। हम रत्नत्रय की विशुद्धि के साथ मोक्ष मार्ग में चले, हमारे लिए यही एक रास्ता है ना। चलो आगे, गुण संपद हुए हैं गुरुदेव के मनस्थित को साकार रूप देने के लिए श्रीमती चंदा रानी जैन सागर, इन्होंने गुणाता के स्वर्ण दान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु आशीष प्राप्त करें, अपने स्थान तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा इनका। श्रीमती चंदा रानी जैन सागर, श्रीमती कुसुम जैन सागर, इन्होंने भी सोना प्रदान करके जीवन को धन्य किया, अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त कर लें। इसी क्रम में श्रीमती मंजू जैन, स्वर्गीय अनुज कुमार जैन, साहिल, पूर्णिमा, रियाम्बी जैन दिल्ली, अशोक विहार दिल्ली, इन्होंने लगभग 60 ग्राम सोना स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, आए गुरुदेव से आशीष पाएं और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ दिल्ली से ही श्रीमान दीपक जी, करोलबाग दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान नीरज जी, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, साथ में श्रीमान शरद जी जैन, शक्तिनगर दिल्ली, ये भी आ जाए सम्मान करने के लिए। तीनों आ जाए, तीनों ट्रस्टी गुणायतन के, इनका सम्मान करेंगे। श्रीमती मंजू जी जैन, अनुज जी, साहिल जी, पूर्णिमा, रियाम्बी जैन, अशोक भाई दिल्ली, उस तरफ खड़े हो जाए, जाइए उस तरफ जाइए, आइए तीनों आइए आप लोग। गुणायतन के सुधार के रूप में अपने आप को संबद्ध करके श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपति देव कुमार जैन सागर, इन्होंने कल ही अपने आप जोड़ लिया था, जे आज जा चुके हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमान प्रवेश कुमार जी, अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती प्रियंका जैन दमोह, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन के सुधार के रूप में, सादर आमंत्रित हमें आए, गुरुदेव चरण का वंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी, श्रीमती रेखा जी जैन, सिद्धार्थ जी, शोभा जी जैन, प्रशासक गुणायतन, चलिए आइए, हो गया ना इनका, सुषमा जी धर्मपति हो गया, आपका कल हो गया ना सम्मान, ठीक है, अब कर पाएंगे। प्रवेश जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, प्रियंका जी जैन दमोह, नहीं प्रवेश जी आ रहे हैं, प्रवेश कल हो गया सम्मान,
चलो कर लो, कल हो गया इनके सम्मान, कल हो गया था, ऐसे नाम लिया था बस, बुलाया कहाँ। प्रवेश जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, प्रियंका जैन, दमोह नहीं है, नहीं हुआ कल इनका। चलिए और अब पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती सुषमा जी, धर्मपति देव कुमार जी जैन सागर पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और समाधान पाएंगे, तैयार रहेंगे, तैयार है। अच्छा, इसी क्रम में जीवदया के लिए श्रीमती सुशीला देवी, त्रिलोचन सेठी, स्नेहा दिलीप जी, रौनक जी, रेखा जी, प्रगति जी, उर्वशी, अक्षता, लावण्या सेठी, डीमापुर गुवाहाटी, इन्होंने 15,000 की राशि जीवदया के लिए प्रदान की है। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे इस सत्कार के लिए। पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती सुषमा जी, धर्मपति देव कुमार जी जैन सागर, और तैयार रहेंगे रोशनी स्वस्ति एवं श्री श्रीमती शैलजा जी जैन अशोक नगर। ऑनलाइन लेना था ना? हे गुरुवर, हम सुषमा देव कुमार जैन बालक लिव्यू सागर, समस्त हमारे बालक लिव्यू सागर जैन समाज, समस्त चौधरी परिवार एवं समस्त नगरी परिवार, सभी आपके श्री चरणों में सागर वंदन अभिनंदन, नमोस्तु 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 करते हैं। हे प्रभु, हम किन कर्मों के उदय से गुणायतन में होने वाले श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान में स्वधर्म बनने की व सूत्रधार बनने की प्रेरणा हमें मिली, हमने त्वरित निर्णय ले लिया, जबकि हम घर में सभी बड़े निर्णय लेने के लिए सोचते थे और घर में अपने चलो अच्छा, से जब सलाह तब अच्छा होता है तो जल्दी निर्णय लिए जाते हैं। आशीर्वाद। चलिए महाराज जी, ओम हो गया, आगे बढ़ा। रोशनी स्वस्ति एवं श्रीमती शैलजा जी जैन अशोकनगर, और तैयार हैं श्रीमती श्री विजय कुमार जी सिरोहिया कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो हिस्ट्री में ऐसा बताया गया है कि जैन धर्म की शुरुआत कब से हुई है, तो ऐसा लिखा है कि आदिनाथ भगवान जब से आए थे तब से जैन धर्म की शुरुआत हुई है, और अभी वर्तमान में महावीर भगवान के शासन में वो चल रहा है, बाकी जो बीच के तीर्थंकर हैं उनका कोई भी विवरण नहीं दिया है। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें फिर यही बताया, जबकि हमारे में ऐसा बताया कि वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, तो जब हम इसका स्पष्ट रूप से जवाब किसी को कैसे दें, या फिर इस कैसे सब तक उचित एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि नहीं ये अनादि काल से है। पहली बात तो हिस्ट्री अनादि काल की है ही नहीं। हाँ, हिस्ट्री अनादि काल की नहीं, तो जब हिस्ट्री अनादि काल की नहीं है तो फिर वो बात क्या करेंगे, वो तो चला आ रहा है, जितना चल रहा है सब चल रहा है, समझ गए। तो वर्तमान इतिहास की दृष्टि से जब हम ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, अथवा वैदिक और प्राग वैदिक काल की बात करते हैं, उस इतिहास को जोड़ते हैं, कम से कम विद्वानों ने ये मान्यता तो स्वीकार ली कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थंकर थे। पौराणिक प्रसंगों को इतिहास काल नहीं मानते, उसे पौराणिक बातें मानते हैं। फिर भी हमारे 24 तीर्थंकरों में भगवान ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्शनाथ और महावीर भगवान की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, जिसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। उन्हें बताना चाहिए कि ये हमारे पुराणों की मान्यता है, पुराणों में इसका उल्लेख है, और आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, ये तो हमें मानना ही चाहिए। तो महाराज जी, जैसे अभी तो ठीक है, जो आगे जो और भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, वो तो किताबों को ज़्यादा मान्यता देती है ना, तो वो अगर हिस्ट्री, ये तो कम से कम अच्छा है, इससे पहले तो आदिनाथ को भी नहीं मानते थे, महावीर को ही मानते थे। हाँ, अभी तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें पूरा विवरण यही है कि आदिनाथ, इसलिए धीरे धीरे मानेंगे। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान विजय कुमार जी सिरोहिया कोलकाता से, और तैयार हैं डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर नेहा जी जैन, राजीव कुमार जी जैन निवासी सागर प्रवासी दिल्ली। महाराज सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, आत्मा निराकार निर्विकार है, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, तब मरने के बाद उसके साथ पाप धर्म कर्म कैसे चिपक कर जा सकते हैं? आत्मा निर्बंध निराकार है, उसके साथ कर्म नहीं चिपक सकता, तो ये सब चीज़ें कैसे चिपक जाती? देखिए, आत्मा स्वभावतः निराकार है, आत्मा स्वभावतः अमूर्त है, लेकिन अनादि के कर्म के बंधन से बंधा होने के कारण आत्मा मूर्त बन गया है, और मूर्त कर्म का मूर्त शरीर से संबंध हो जाता है, इसलिए संसारी आत्मा को कथनचित मूर्त भी कहा गया, समझ गए। चलिए उपस्थित हम प्रति बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन, तैयार हैं श्रीमती नीला सुरेश गांधी, पार्ले पॉइंट, सूरत।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि उस व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने समय पर तीन चीजें भेंट स्वरूप रखती हैं, साथ समय और समर्पण। साथ साथ संग रहना, साथ समय और समर्पण। तो हम उस व्यक्ति को कैसे संभाल कर रखें? उस व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिन्हें तीन चीज़ें प्रदान की, साथ समय और समर्पण। तो उस व्यक्ति को हम कैसे संभालें? बस उसका मूल्य समझ लो तो संभाल अपने आप होगा, उसको कभी खोने मत दो। ये बात सही है कि साथ निभाना, समय देना और समर्पण प्रकट करना ये बहुत दुर्लभ तत्व है, और ये जिनके जीवन में होता है, जो ऐसा घटित करते हैं, वो निश्चित रूप से महान होते हैं। और हमें ऐसे लोगों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संभालने का मतलब कुल ये है कि उनके साथ अपना संबंध अच्छा बना के रखें ताकि वो कभी टूट ना पाए। नमस्ते महाराज। श्रीमती नीला श्रेष्ठ गांधी पार्ले पॉइंट सूरत, और तैयार हैं श्रीमती नीति जी कलरैया खान घर मुंबई ट्रस्ट गुणायतन। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे परिवार व्यक्ति से नमस्तु, समस्त सूरत वासियों के तो नमस्तु। महाराज जी, आजकल लोग पानी से बनी हुई चीज हो, तली हुई, या दूध से बनी हुई हो, या नाले के पानी से बनी हुई चीज हो, उनकी मर्यादा कितनी रहती है? खाने की मर्यादा कितनी रहती है? देखिए, जो पारंपरिक व्यवस्था उसके हिसाब से दूध की पूड़ी तो 24 घंटे तक लेते हैं, बाकी 12 घंटे यूज करते हैं। नाले के पानी की व्यवस्था 12 घंटे की? हाँ, उसको 12 घंटे ही मानना चाहिए, दूध को ले लें, दूध की 24 घंटे मानते हैं। और महाराज जी, मैं सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आज तक हम हर जगह जाते हैं, लेकिन जो गुनाहते में व्रतियों की व्यवस्था भोजन की है वो हमने कहीं नहीं देखी। लगता है जैसे हम घर में भोजन करें, ऐसा अच्छा लगा महाराज जी। बहुत बढ़िया। नीति जी कह रैया खारघर मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन, तैयार हैं प्रियंका जैन किशनगढ़ मदनगंज राजस्थान। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशह नमन। गुरु जी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आया है 18 नाते की कथा, तो उसको देखते हुए और घरों में हम देखते हैं कि कोई मोही जीव है, जैसे दादाजी वगैरह या दादी, किसी का देहांत होता है और वो जन्म लेके वापस उसी घर में पोते के रूप में आ जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि अरे ये तो दादाजी आ गए, वैसे ही स्वभाव, वैसे ही नाक नक्श, वैसे ही सब कुछ। इसी तरह ये तो 18 नाते से जोड़ लिया, लेकिन साइंस कहता है कि जो जीन्स होते हैं DNA और RNA, वो जीन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इसको और उसको कैसे मैच करें और क्या समझें इसके बारे में? देखिए, जो जेनेटिक संबंध है वो शरीर से, और जीव का जो जन्म है वो आत्मा से। कोई ज़रूरी नहीं कि जो जिस घर में जन्म लिया मरणोपरांत उसके घर में उससे रिलेटेड व्यक्ति ही आए, कोई भी जीव आ सकता है, लेकिन हाँ, उसके जीन्स में उसका अंश होगा, जो DNA और RNA की बात आपने की। लेकिन वही व्यक्ति आया ऐसा नहीं कह सकते, पर यह संसार विचित्र है। इस संसार में सब जीवों का, सब जीवों से सब प्रकार का संबंध हो सकता है। आज दादा है, कल वही पुत्र भी बन सकता है, ये चीज़ें तो चलती हैं। नमोस्तु महाराज। आइए प्रियंका जी जैन किशनगढ़ मदनगंज से, तैयार हैं श्रेया जैन पुत्री अमित कुमार जी जैन सागर। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, मैं राजस्थान किशनगढ़ से आई हूँ, और महाराज जी मेरी 2-3 साल से आपसे मिलने की, आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी। आज मैं शिखर जी चढ़ के और सीधा आप ही के दर्शन के लिए आई हूँ, और मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। संसार में यथार्थ बंधु और गौर शत्रु कौन है, इन्हें हम कैसे पहचाने? यथार्थ शत्रु और गौर, संसार में यथार्थ बंधु और गौर शत्रु कौन है, इन्हें हम कैसे पहचाने? यथार्थ बंधु और गौण शत्रु कौन है? हाँ, घोर। देखो, अगर मुझसे शास्त्रीय भाषा में पूछो तो मैं उत्तर दूंगा, यथार्थ बंधु धर्म है और घोर शत्रु मिथ्यात्व प्रेरित अज्ञान है। जो धर्म को धारता है
वह भव सागर से पार उतरता है, और जो मिथ्यात्व और अज्ञान में जीता है वो संसार में रुलता है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से मुझसे पूछो तो मनुष्य का, मैं मनुष्य पर केंद्रित करके बात कर रहा हूँ, मनुष्य का यथार्थ शत्रु उसके मन का आत्म, यथार्थ बंधु उसके मन का आत्मविश्वास है, और घोर शत्रु उसके मन की शंका है। अगर ये दोनों चीज़ें मनुष्य निकाल दे तो उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। आइए श्रीमान सुनील जी, रेखा जी जैन, सी एफ गुणायतन प्रस्तुत करने के लिए और तैयार हैं श्रीमान शरद जी जैन। शरद जी जैन दिल्ली। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अक्सर माता पिता ये कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है और हमारा बहुत ध्यान रखती है, मैं चाहे कितनी भी अपने काम में व्यस्त हो लेकिन अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन महाराज श्री, अक्सर बेटों की तरफ से माता पिता यह शिकायत, फिर से बोलो, माता पिता बेटी की तरफ से कहते हैं कि बेटी बहुत अच्छी है और हमारा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन माता पिता बेटों की तरफ से शिकायत करते हैं कि बेटे हमारा ध्यान नहीं रखते। महाराज श्री, बेटे माता पिता का किस प्रकार ध्यान रख सकते हैं? ये अनुभव तो आप लोगों का है। अब बेटी ध्यान रखती कि बेटा ध्यान रखता है, पर मुझे एक ऐसा भी आभास होता है कि बेटी थोड़े परघर में चले जाती है तो माँ बाप का बेटी की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, और जिसके प्रति हमारा ध्यान या जुड़ाव होता है उसके दोष में भी गुण दिखते हैं, और जो हमारे ज़्यादा निकट होता है उसके गुण में भी दोष दिखते हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है, अब बेटा रोज़ सामने है तो वो और कामों में लग रहा है, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो बेटा हमारा ध्यान नहीं रख पा रहा है, और बेटी को कुछ नहीं करना, रुको, बेटी को कुछ नहीं करना, एक बुला लेना, बेटी को कुछ नहीं करना, केवल एक कॉल भर करना है तो कॉल यहीं रुको, कॉल भर करना है तो बेटी हमारा बहुत ख्याल रखती है। सवाल बेटे और बेटी का नहीं है, सवाल माँ बाप का है, माँ बाप के प्रति हर संतान संतान को पूरी तरह श्रद्धावनत और समर्पित रहना चाहिए और पूरी शक्ति भर उनका ख्याल रखना चाहिए। शरदी जैन सकते हैं कि दिल्ली से ट्रस्टी हुए उपस्थित हों, उसके पूरे छोटे छोटे बच्चे आ जाओ जल्दी, अब नमस्ते गुरु महाराज जी को। ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी भावना, अपने उदात्त भाव, अपनी उदारता प्रकट कर रहे हैं गुणाते के लिए, अपना संचित धन इन गुल्लकों में है वो प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत साधु। नमस्ते, अपने हाथ से उठा के दो, उठाओ, पकड़ो, यहीं रख दो, यहीं रख दो, रखो रखो, यहीं रखो रखो रख दो बेटा, बहुत बढ़िया। तो मम्मी पापा कहाँ हैं? इनके मम्मी पापा, इनका नाम तो पूछ, आ जाए, इनकी युगांत नित्या जयंत युगांत जैन, यही है युगांत नित्या। मम्मी पापा कहाँ हैं? विदिशा से कुमारी नित्या युगांत जैन के द्वारा ये राशि प्रदान की, उसकी मम्मी वहाँ खड़ी हैं, उनको कवर कर लो। बहुत बहुत साधुवाद, ऐसे बच्चों को संस्कार देते रहें जिससे ये धर्म के धर्मायतनों में अपने जीवन को लगा सकें। आ जा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, दोनों आओ, नित्या और युगांत, इसको माइक दो, माइक दो बेटा, ये बताओ ये गुल्लक तुम लाई हो इधर मेरे पास, हाँ वहीं खड़े हो जाओ, वहीं का ये गुल्लक किसके कहने से लाई? मम्मी के कहने से। मम्मी ने क्या कहा था? गुल्लक गुल्लक गुराइटन में पिटान करनी है। तो तुमको तकलीफ नहीं हुई? तो तुम्हारी बिल्कुल सेविंग्स थी, नहीं खुशी हो रही है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। शक्तिनगर दिल्ली से श्रीमान शरदी जी, एक भाव है अभी से बच्चों में, ये भाव जगेंगे तो बड़े होकर और आगे बढ़ेंगे। चलो तैयार रहेंगे नीरज जी जैन करोलबाग दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, साथ ही दीपक जी जैन करोलबाग दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज, हमारे विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली की तरफ से सब सदस्यों की तरफ से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि कई बार परेशानी आती है जीवन में, तो कई लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो जैसे कहीं दान दे दो या कि कहीं छत चढ़ा दो तो ये टल जाएगी,
तो आदमी कर भी लेता है, तो वो दान मिथ्यात में आएगा, मतलब वो किस श्रेणी में आएगा? वो दान तो होता है बट वो इस कंडीशन का होता है कि ऐसे कई बार लोग कहते हैं, तो हमें करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर वो किस उसमें आता श्रेणी में, और उसका क्या प्रभाव आएगा हमारे? देखो, जब कभी भी ऐसी बात आती है, ये मनुष्य की आस्था है जिससे प्रेरित होकर लोग ऐसा करते हैं। आपका सवाल है ये दान की श्रेणी में आएगा कि नहीं। दान तो कहलाएगा पर उत्तम दान नहीं कहलाएगा। अपेक्षा के साथ दिया गया दान उत्तम दान नहीं होता, निरपेक्ष भाव से किया जाने वाला दान ही उत्तम दान। नमोस्तु मन। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु गुरुदेव। लेकिन ऐसा करने से अंतराय टलते हैं और प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारे मिथ्यात में तो नहीं आएगा, मिथ्यात मतलब तो नहीं कहेंगे। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु गुरुदेव। प्राय देखने में या सुनने में ये आता है कि जिस मंदिर का जितना अधिक वैभव होता है वहाँ की समाज या लोग ज़्यादा संपन्न होते हैं, लेकिन हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, तो हम क्यों सोने चांदी के सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल और सोने की वेदियाँ ऐसे क्यों बनवाते हैं? देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस मंदिर का जितना अधिक वैभव होता है उनके भक्त उतने संपन्न होते हैं। देखा भी हमारा श्री, हमने कहीं दिल्ली मैं में बता मंदिर रहा हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ। जब भक्त संपन्न होंगे तभी तो मंदिर का वैभव बढ़ेगा। तो जब संपन्न भक्त उदारता के साथ अपना द्रव्य भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो उस पुण्य से इनका वैभव बढ़ता जाता है। समझ गए? अब इसलिए भक्तों को मैं ये कहूँगा, जब तुम अपने घर को बनाते समय एक एक चीज़ का ध्यान रखते। आजकल तो एक व्यक्ति ने बताया अपने घर के बाथरूम में 1 करोड़ से ज़्यादा लगा दिए, 1 करोड़ से ज़्यादा। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपराध पैसा है बर्बाद करने के लिए। हाँ, अब ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। जब सद्दाम हुसैन के बाथरूम में हीरे जड़े मिल सकते हैं, सोने के नल और टोटियाँ हो सकती, तो ये आश्चर्य की बात नहीं। तो ऐसा अनाप शनाप खर्चा तुम अपने घर मकान में लगाते हो, अपने वैभव को खपाते हो, तो त्रिलोकीनाथ के निमित्त यदि तुम्हारा द्रव्य लगता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। चलिए, हो गया। बोलिए नीरज जी। नहीं, चलिए उपस्थित हो गति बहन विजयलक्ष्मी जी जैन नेमावर, फूड प्रशासनिक अधिकारी गति बहन विजयलक्ष्मी जी, और तैयार हैं गति बहन सुनीता दीदी मासा दमोह। बोलो। नमोस्तु महर्षि, आज मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है कि परिवार का मुखिया कौन होना चाहिए, स्त्री या पुरुष, और वो कैसा होना चाहिए, इस बारे में महर्षि। परिवार का मुखिया किसे होना चाहिए, स्त्री या पुरुष को, और वो कैसा होना चाहिए? देखो, ये उत्तर थोड़ा सा उलझन भरा हुआ है। अगर मैं कोई एक वर्ग विशेष का कह दूं तो दूसरा वर्ग नाराज होगा, तो मैं आपकी बात को थोड़ा संभाल कर कह रहा हूं कि परिवार का मुखिया उसे होना चाहिए जिसके भीतर मुखिया होने जैसी योग्यता है, जो सबको लेके चल सके, जो सबको आगे बढ़ा सके, जो सबके लिए आदर्श और प्रेरणा बन सके, वही व्यक्ति परिवार के मुखिया होने के लायक है। एक बात मैं कहता हूँ, हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग असहमत होंगे, लेकिन प्राणी जगत में जितने भी चौपाए हैं, जो समूह में रहते हैं, उन पर जब ध्यान देते हैं तो अलग पाते हैं। हाथियों का समूह कौन होता है उसका मुखिया? हाथी। लेकिन सबसे ज़्यादा सूझबूझ किसकी होती है? हथनी की। शेर के समूह में मुखिया कौन होता है?
से, पर शिकार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? बंदरों के दल को आप देखिएगा, बंदर यहाँ तो बहुत है, एक बंदर का एस की तरह पूंछ उठा हुआ होगा, एस के आकार में, वो समझना वो ग्रुप का लीडर है। उस बंदर के सामने वो नर होगा, मादा नहीं होगी। उस बंदर के सामने किसी दूसरे ने अपनी पूंछ उठा दी तो दोनों के बीच भीषण संग्राम होता है, और जो जीत जाएगा पूरा दल उसके साथ हो जाए। अब ये क्या हुआ? तो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा सकते हैं मनुष्यों के ऊपर, पर प्रकृति में और प्राणी जगत में ये जो व्यवस्थाएं हैं वो क्यों कर है, सबके लिए सोचने का विषय। जो प्रकृति सुलभ योग्यताएं होती है वो हर किसी में नहीं होती, और मुझे तो एक ही बात कहना है, नर और नारी के मध्य होड़ होना ही नहीं चाहिए, नर और नारी को एक दूसरे का पूरक बन करके जीना चाहिए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था अकेले नर नहीं कर सकता और अकेले नारी भी नहीं कर सकती। जितना नर की ज़रूरत है उतनी ही नारी की ज़रूरत है, और दोनों जब मिलजुल करके काम करते हैं तभी प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है, इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। व्रती बहन सुनीता दीदी बादशाह ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमती शशि प्रभा जैन, राजन कुमार जी जैन साहेगढ़। परम पूज्य गुणायतन प्रेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कत्था वाला परिवार, बांसा वाला परिवार, दोनों परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पढ़ते हैं कि एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग, लेकिन अगर हमारा गुरु के प्रति अति लगाव है और अति लगाव के साथ में चलते उठते बैठते हर समय लगता है कि अब गुरु जी क्या कर रहे होंगे, अब क्या चल रहा क्या चल रहा, और हर समय और कुछ नहीं दिखता है, पूरे टाइम यही लगता है कि अब तो समय का टाइम हो गया, अब ये हो गया, तो उसमें ये प्रशस्त राग माना जाएगा या अप्रशस्त राग माना जाएगा, या इसको किस कोटि में ले जाएंगे? देखो, भोगों का राग और भोगी का राग अप्रशस्त राग। भोगों से राग करोगे, भोगी से राग करोगे, वो अप्रशस्त राग। और त्याग के लिए अनुराग होगा और त्यागी से अनुराग होगा तो प्रशस्त राग। अगर गुरुओं से जुड़ाव है तो उद्देश्य क्या है? भोगों के लिए नहीं, आत्मकल्याण या मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने के लिए। तो मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो हम करते हैं वह सब प्रशस्त राग के श्रेणी में आता है। अनुगमनम पि गुरुनम प्रशस्त रागोत्ति बुच्चंती। आचार्य कुंदकुंद ने कहा कि भूखे प्यासे तिखदम भुख्य दिम्बा, ऐसे गाथा आती है पंचास्तिकाय में कि भूखे प्यासे पीड़ित लोगों की सेवा करना, पंच परमेष्ठी का आराधन करना और गुरुओं का अनुगमन करना, ये सब प्रशस्त राग के अंतर्गत आता है। तो देव गुरु और धर्म से जो भी जुड़ाव है वह प्रशस्त राग है, लेकिन इसमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि राग ऐसा ना हो जाए कि मोह में परिवर्तित हो जाए। राग जब तक अपनी सीमा में है हमारा कल्याण करेगा, और राग जब मोह में परिवर्तित हो जाता है हमें संसार में अटका देगा। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा और समर्पण से पूरित होना चाहिए, पर मोह नहीं होना चाहिए। मोह तो स्वयं के प्रति भी नहीं होना चाहिए, मोह सबके लिए दुखदायी है, इसलिए मोह व्यक्ति को अज्ञानी बनाता है, अंधा बना देता है, उससे बच के रहना।
महाराज जी जब गुरु के प्रति समर्पित रहते, अब गुरु सामने नहीं होते लेकिन मंदिर में पूजन करके आते और फोटो सामने दिखता है तो फिर उदक चंदन तंदुल कह के अर्घ चढ़ा देते। ये भक्ति है, इसमें मोह नहीं, ये तो करना ही चाहिए, अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए, पर उनके बिना रह नहीं पाए ये ठीक नहीं। सती प्रभारी जैन श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन साहगढ़ तैयार हैं, व्रती बहन किरण जी एवं व्रती बहन सरोज दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से बारम्बार नमोस्तु महाराज जी। छह ढाला में आया है कि सम्यक दर्शन मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, तो सम्यक दर्शन के बिना हम लोगों के व्रत फलदायी होंगे या नहीं? बिल्कुल, सम्यक दर्शन नहीं है तो व्रत कल्याणकारी नहीं, व्रत से अकल्याण तो नहीं होगा पर कल्याण भी नहीं होगा। महाराज जी कैसे मालूम होगा कि हम लोग सम्यक दर्शन? आ रहा हूँ तो व्रती हम फिर पहले सम्यक दर्शन पाए फिर व्रती बने, तो न नौ मन तेल न राधा नाचे। सम्यक दर्शन की परिणति अत्यंत सूक्ष्म होती है, वो हमारे भीतर है या नहीं इसका हमें आभास एहसास नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे हाथ में जितना पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ हम करें, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें, मिथ्यात्व से अपने आप को दूर रखें, सम्यक की भावना भाते हुए व्रतों का आचरण करें, ये व्रत ही हमारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट करके हमारा कल्याण करेगा। नमोस्तु महाराज। आइए व्रती बहन किरण जी दी एवं व्रती बहन सरोज दी, तैयार रहेंगे राजू जी निगोतिया जयपुर। परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के श्री अमूल्यमती माता जी के सत्संग बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि दाता भी है पात्र भी है, लेकिन कहा यह जाता है कि एक गिलास आहार दे लो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन विधि भी नहीं और द्रव्य भी नहीं, तो क्या पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? देखो ऐसा है, विधि और द्रव्य से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष नहीं कर सके तो कृतकालित अनुमोदन जरूर कर सकते हैं, तो हम खुद करें, नहीं कर पाए तो कराएं, करने वाले की अनुमोदना करें, उसे पाप तो नहीं मिलेगा पुण्य ही मिलेगा, उतना उत्तम पुण्य नहीं मिलेगा जितना वो खुद का करके करे। हाँ नमोस्तु। राजू जी निगोतिया साहब उपस्थित हों, तैयार रहें श्रीमान डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर नेहा जी, राजन कुमार जी जैन निवासी सागर दिल्ली। नमोस्तु। उपस्थित हों, खड़े हो जाए अपने स्थान में, देखिए नाम नहीं है। तैयार रहें श्रीमती मंजू जैन बाहुबली कॉलोनी सागर। बोलिए निगोतिया जी। नमोस्तु 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 महाराज। क्या नाम? ओम। श्रीमती रोशनी राहुल जैन नित्यायुगान जैन विधि से तैयार रहेंगे। आज के इस भागम दौड़ जीवन में हम अपने आप को अपने धर्म के प्रति कैसे जागरूक करें, ये मेरा प्रश्न। भाग दौड़ के जीवन में अपने आप को अपने धर्म के प्रति कैसे जागरूक करें? अगर अपने आप को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना है तो कुछ नहीं करना, अपनी प्राथमिकता को बदलना है। आज आप शिखर जी आए हैं, दिन चार दिन का कार्यक्रम तो लेके आए ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि अभी आपके पास कोई काम नहीं था, काम तो होंगे, कारोबारी व्यस्तताएं भी होगी, लेकिन आपने उन सबको छोड़ा और आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही कि मुझे शिखर जी जाना है, शिखर जी जाके वंदना करना है, गुरु सानिध्य में रहना है। बिल्कुल महाराज, ये प्राथमिकता आपको यहाँ तक ले आई। यदि इसकी जगह आपकी प्राथमिकता कुछ और होती तो हो सकता है टिकट बनने के बाद भी वो कैंसिल हो जाते। समझ गए? बिल्कुल। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैं यही कहता हूँ, अपाधापी या भाग दौड़ हमारे धर्माचरण में बाधक नहीं है, हमारे धर्माचरण में बाधक केवल हमारी प्राथमिकताएं हैं।
संत कहते धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, बाकी चीजों को दूसरे नंबर पर रखो। लोग धर्म को मानते तो हैं पर धर्म से ज्यादा गोरख धंधे को प्राथमिकता देते हैं, उसी में उलझ के रह जाते हैं। आप बड़े ईमानदारी से बताना, मैं आपके माध्यम से सबके लिए बताना चाहता हूँ, और ये जो बात होगी वो आपकी नहीं पूरी दुनिया की होगी। जब कभी कोई व्यस्तता बढ़ती है सबसे पहले कटौती किसमें होती है? धर्म की होती है। धार्मिक क्रियाकलापों में सबसे ज्यादा कटौती, ये किस मानसिकता का उदाहरण है? यानी हमने धर्म को सबसे आखिरी पायदान में रखा, जिसे शीर्ष पे रखना था उसे सतह पे रखा। तो कोई आपाधापी भाग दौड़ बाधक नहीं है, प्राथमिकताएं बदलिए, टॉप प्रायोरिटीज पे रखिए, व्यापार भी कीजिए और धर्म भी कीजिए। एक बार एक ने सवाल किया कि महाराज धन और धर्म दोनों का क्या स्थान होना चाहिए, तो मैंने कहा अगर तुम मुझसे कहते हो तो मैं बड़े सरल शब्दों में कहता हूँ कि धन और धर्म का वही स्थान होना चाहिए जो पैरों की जूती और सिर की टोपी का हो। पैर की जूती और सिर की टोपी, पैर की जूती ज़्यादा उपयोग में आती है, कंकड़ कांटों से बचाती है, पर जूती कितनी भी वेश कीमती क्यों ना हो देहरी के बाहर ही उतारी जाती है, उसे सिर पर नहीं रखा जाता। और टोपी चाहे कितनी भी मैली कुचैली क्यों ना हो सिर पर ही रखते हैं। हालांकि आजकल टोपी वाले कम मिलते हैं, एक ही दादाजी दिख रहे हैं, यहाँ मिल गए। टोपी हमारी आन मान मर्यादा का प्रतीक है, उसे सिर पर रखते हैं, अगर उतारे भी तो खूंटी पे टांग के रखते हैं। बस धर्म सिर पे रखो टोपी की तरह, और धन धंधे को पाँव की जूती की तरह रखो। यदि ये स्थितियाँ बनी रहेगी तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से निहाल होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। श्रीमती रोशनी राहुल जी जैन, नित्यागान जैन भाई से उपस्थित हों, तैयार रहें। डॉक्टर के जैन, श्रीमती शकुन जैन, वासुपुर जनालय भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी किलेन्द्र पाठशाला की भी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भावना योग से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं और 1.5 साल से मैं रमोकार मंत्र लिख रही हूँ जो 25,000 के लगभग हो चुका है, और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आगे भी लिखती जाऊँ, और मैं बच्चों में कैसे संस्कार और आगे डालूँ कि जो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। महाराज जी और इसे जो दिसंबर में मैं आई थी आपके पास दर्शन करने, तब ये नेगेटिव बहुत मतलब डिप्रेशन में थी बेटी। अब भावना युग की आपने जो मुझे दो कमांड बताई थी कि स्वस्थ रहना है और प्रसन्न रहना है, 3 महीने में वो सही भी हो गई, जो स्कूल से फ़ोन आते थे वो भी बंद हो गए, और उसके बाद जो पढ़ाई में उसके 95% बनी उसमें। बहुत सुंदर, देखिए उदाहरण है भावना योग के चमत्कार का। आप लोग भी इसका अनुकरण करें। इस छोटी बच्ची ने केवल 2 कमांड दिया, उसे दे दो बच्ची को, बच्ची को माइक दो, 2 कमांड दिया मुझे स्वस्थ रहना है प्रसन्न रहना। इतनी छोटी सी बच्ची डिप्रेशन की शिकार थी, 3 महीने पहले ही मेरे पास आई थी, और आज उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप। अगर आप लोग इसका अनुकरण करेंगे तो निश्चित इसका लाभ होगा। बेटी तुम्हें भावना योग कैसे किया और क्या लाभ हुआ बताओ अपने शब्दों में। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या किया भावना योग में? कमाइन दी थी 2 आपने जो बताई थी। क्या दी थी? मुझे स्वस्थ रहना और प्रसन्न रहना है। डेली कितनी बार देती थी? 5 बार। बहुत बढ़िया, अब अच्छा लगता है? हाँ। बहुत सुंदर, चलिए। ओ अगला नाम के जैन, जिनका नाम नाम लेता हूँ, अपने स्थान तुरंत खड़े हो जाए करें, हमें लगता है उपस्थित नहीं है। डॉक्टर के जैन सब उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरे सारे परिवार योग के सभी नमोस्तु, एवं पूरे भोपाल के वासुपुर जनालय से सभी साथियों का नमोस्तु पहुँचे। महाराज जी मेरा क्वेश्चन यह है कि कर्मों की निर्जा करने के लिए धर्म आवश्यक है, पर धर्म का सच्चा स्वरूप और जीवन का सही राह, आर्ट ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए ताकि जीवन अपना अच्छे से जी सके। धर्म का सच्चा स्वरूप बता दूं, 2 लाइनें अपने जीवन में चरितार्थ कर लो, धर्म हो गया।
होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यही धर्म है और यही आर्ट ऑफ लिविंग है। थैंक यू सर। गुरुदेव विद्यासागर जी दया ट्रस्ट दिल्ली, दिल्ली के द्वारा निःशुल्क बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया जा रहा है। संस्थापक श्रीमान अमित जैन मालवीय नगर, संचालक श्री अभिषेक जैन ज्योति करौनी साहिदरा दिल्ली, और एम्बुलेंस भेंट करता श्री मुकेश जैन श्रीमती नीना जैन नोएडा। इन्होंने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाहा है और ये जानना चाहते हैं, कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव प्रमासागर जी महाराज के चरणों में विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट के सभी सदस्यों का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव विद्यासागर जीवदया परिवार पहली ऐसी संस्था है जो घायल पक्षियों को लोगों के घरों से पेड़ों से उतार कर बचा कर हॉस्पिटल पहुँचाती है। इसी संख्या में हम लोग कुत्ता बिल्ली या कोई भी अन्य जानवर होता है उसके भी इलाज के लिए तत्पर रहते हैं। भारत की पहली बाइक एम्बुलेंस जो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने बनाई है, जो घायल पक्षियों को लेकर जाएगी हॉस्पिटल, गुरुदेव क्या यह जीव दया का कार्य मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है और हम इस कार्य में कैसे आगे बढ़ें और जैन समाज एक होकर जीव दया के कार्य में कैसे साथ आए, कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। जीव दया को करुणा दान के अंतर्गत रखा गया है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम की उक्ति हमारी संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से है, इसलिए हमें जीव दया के कार्य में सतत उत्साहित बने रहना चाहिए। ये साथी से पुण्य बंध का कारण होता है। धम्मो दया विशुद्धो के परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। मैं पूरे विद्यासागर जीव दया संस्थान दिल्ली के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ कि जो ये कार्य कर रहे हैं आगे बढ़ाएं और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बोलिए। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमन हो। नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है। अपना नाम बोल दीजिए पहले। मैं मंजू जैन, बाहुबली कॉलोनी सागर। हाँ। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि जैन भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप के 1,00,000 योजन विस्तार में 2 सूर्य एवं 2 चंद्रमा हैं, जबकि इसके आगे पुष्करार द्वीप में 8,00,000 योजन के विस्तार में 72 सूर्य एवं 72 चंद्रमा हैं। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि इतने सारे सूर्य एवं चंद्रमा कैसे विचरण करते होंगे और इनकी उष्णता एवं प्रकाश कितना होता होगा और 24 घंटे में। त्रिलोक शार में इसका सांगो पांग वर्णन दिया, उनके 4 क्षेत्र बताए हैं, वहाँ से पढ़ लो, पूरा उत्तर मिल जाए। श्रीमान अजित कुमार जी अंकित जैन एडवोकेट सागर, अजित कुमार जी अंकित कुमार जैन एडवोकेट सागर हैं उपस्थित अपने स्थान में खड़े सीखता से। ओम गुरुदेव। अक्षय कुमार जैन जल्दी खड़े हो भाई, हम क्या करें इसमें मजा नहीं, आप ऑनलाइन ले लीजिए। अक्षय कुमार जी जैन शिवपुरी गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करके जानना चाहते हैं कि सच्ची शरण क्या है। क्या सच्ची शरण, शरण शरण हमेशा सच्ची शरण में रहने का तरीका क्या है कि कभी भी मन में भटकाव ना हो। सच्ची शरण का मतलब क्या है? ठीक है, वैसा जैसे बंदर अपने माँ के साथ चिपकता है, इसको बोलते हैं शरणम प्रपद्ये। आपने देखा एक बंदरियां होती है वो अपनी माँ से चिपकती है और बच्चे को चिपकाकर माँ कितना भी बड़ा जंप लेती है, छलांग लेती है, उसको कोई फर्क पड़ता है? तो जिनको तुमने अपना शरण माना है उनसे तुम्हारा अटूट जुड़ाव और अखंड विश्वास होना चाहिए। अगर वो बंदरिया को डर हो कि नहीं छलांग में मैं गिर ना जाऊं छोड़ दे तो क्या होगा, उसको पता मैंने पकड़ लिया है और मेरी माँ जहां तक छलांग लगाएगी खुद भी पहुंचेगी और मुझे भी पहुंचाएगी। समझ गए? यह शरणम प्रपद्ये, एक बार शरण ले लो तो फिर छूटो मत। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां रख दोगे नाथ वहीं हम रहेंगे, यह है शरण। ऐसे शरण को वही प्राप्त कर सकता है जो अपने मन की इच्छाओं को पूरी तरह अर्पित कर देता है। आइए श्रीमान अजित कुमार जी अंकित कुमार जी एडवोकेट सागर मध्य प्रदेश, तैयार रहें। सुरेंद्र कुमार जी डागा भदोही उत्तर प्रदेश, अपने स्थान खड़े हो जाएं यदि हैं तो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अंकित जैन सागर से
मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि हमें धन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए और धन अर्जित करने में हमें अपना कितना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एक सीमा होनी चाहिए कि इसके बाद हमें धन अर्जन को समाप्त या बंद कर देना चाहिए। देखो ये जो सवाल पूछा है, धन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए और धनार्जन की कितनी सीमा होनी चाहिए, यदि मुझसे पूछो तो आवश्यकता को देखो तो दो वक्त का खाना, सिर छिपाने को घर और रहने को छत, पहनने को कपड़े मिल जाए, इससे ज़्यादा धन की क्या जरूरत है क्या? लेकिन खाना कैसा चाहिए ये उलझन है, कपड़े कैसे चाहिए ये उलझन है, और घर कैसा चाहिए ये उलझन है। समझ गए? मनुष्य की आवश्यकताओं पर जब उसकी आकांक्षाएं हावी हो जाती है, समझ गए, तो फिर उनकी आवश्यकताएं भी अंतहीन होने लगती है। नियंत्रित रखो, और ये तभी संभव होगा जब मनुष्य के मन में संतोष का भाव जागृत होगा। वैसा संतोष जगा के रखे जिससे अपने जीवन को धन्य किया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव श्रीमान विकास कुमार जी जैन जबलपुर, आपके अनन्य भक्त, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मेरे रिश्तेदार अपना मुंबई का मकान किराए में देना चाहते हैं, यदि वे कोई नॉन वेजिटेरियन यह कहकर कि आपके घर में नॉन वेज बनाकर नहीं खाऊंगा मकान किराए में ले लेता है, तो क्या सो देना उसे मकान देने में कोई दोष लगेगा? हम आपसे पूछते, एक आदमी ने मकान बना के बेचा और नॉन वेजिटेरियन को बेचा, तो क्या उसको फिर तो तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुमने किसी को अपने यहाँ कर्मचारी रखा और वह नॉन वेजिटेरियन है तो तुम्हारी तनखे से नॉन वेज खाएगा? जो व्यवहारिक है वो देखो, आप उसको रहने के लिए दे रहे हैं और आप उत्तम सलाह दे के रखो, उसको संकल्पित करके देखो कि भाई आप शाकाहारी बने रहना तो उत्तम है, और प्राथमिकता अपनी रखो कि गैर शाकाहारी की तुलना में यदि शाकाहारी मिले दो रुपया कम भी दे तो उसे प्राथमिकता दें, ताकि घर की पवित्रता बनी रहे। उसमें यही होगा कि वहाँ नकारात्मक जो संस्कार है उससे आप बचा लोगे, इसलिए प्रत्येक शाकाहारी को चाहिए कि वो शाकाहारियों को ही प्रश्रय दे, प्रमुखता दे। गुरुदेव गुणाते के ट्रस्टी श्रीमान राजकुमार जी ममता जी जैन मंडला प्रवासी इंदौर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव पंचवालयति तीर्थंकरों में अंतिम तीन बाल मंजूरी तीर्थंकर शायद यह संदेश देते हैं कि कलयुग में ब्रह्मचर्य की नाव से ही पार लग पाओगे। महाराज जी मैं तो घर गृहस्थी वाला हूँ, इस संदेश को कैसे आत्मसात करूं? मैं इसके समर्थन में नहीं, सब बाल ब्रह्मचारी रह जाओगे तो संतति यहीं रुक जाएगी, और संतति रुक जाएगी तो संस्कृति कैसे बढ़ेगी? इसलिए बाल ब्रह्मचारी होए अपवाद है, 24 में 19 ने गृहस्थी बसाई और तभी ये धर्म यहाँ तक आया, तुम लोग भी गृहस्थी बसाओगे तभी तो आगे की संतति जन्मेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन संतान को उत्पन्न करो, संतति को बढ़ाओ, संस्कृति की पुष्टि करो। आप लोग उसी में मगन, अब तो विवाह तो कर लिए, संतान चाहिए नहीं, एक ही हो जाए तो बहुत, कई को तो अब एक की भी जरूरत नहीं, ये पाप है, ये अपराध है। गृहस्थी में रहो, संतान को का ठीक तरीके से लालन पालन करके उसे अपने पाँव में खड़ा, पाँव पे खड़ा करो, उसे धर्म के संस्कार दो, और अपनी जवाबदेही पूरी करने के बाद खुद को मोक्ष मार्ग में अग्रसर कर लो। ये है हमारा मार्ग। इसलिए जो कहा गया कि बाल ब्रह्मचारी ही अच्छे हैं, यद्यपि हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें फेवर तो उन्हीं का करना चाहिए, लेकिन मुझे चिंता है सब तुम बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे तो आगे जैन धर्म को कौन ले जाएगा, ये तो यहीं रुक जाएगा। ऐसे ही जैनियों की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, इसलिए अगर गृहस्थ बन गए हो तो चिंता मत करना, समझ गए, गृहस्थी में हो तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ऐसा कर्तव्य करो,
ताकि संतति की वृद्धि होते रहे और संस्कृति पलती रहे। गुरुदेव बिनोली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति ऐसा क्या करे कि हर एक अच्छा रिश्ता व्यक्ति के मरने के बाद भी जीवित रहे, क्योंकि कहा जाता है कि रिश्तों की एक उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। रिश्तों की कुछ उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि हमारे रिश्ते मरने के बाद भी बने रहे। मैं एक बात कहता हूँ, किसी फूल में जो महक होती है ना, वो महक पूरे वातावरण में घुल जाती है। अगरबत्ती को आपने देखा है, जहाँ अगरबत्ती जलती है उसकी महक पूरे वातावरण में होती लेकिन अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी कुछ देर तक उसकी महक होती कि नहीं होती, बोलो। तो अपने रिश्ते को जीना चाहते हो तो अगरबत्ती की तरह जियो, जब तक जियो तब तक भी महक हो और चले जाने के बाद भी महक बनी रहेगी, लेकिन उसके लिए खुद को अगरबत्ती की तरह जलाने और खपाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो खुद को अगरबत्ती की तरह जलाने और खपाने के लिए तैयार होता है वो अपनी मौजूदगी में अपना एहसास तो कराता ही है, दूर चले जाने के बाद भी उसका एहसास बना रहता है। रिश्तों में मिठास कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। गुरुदेव धर्मनगरी छपारा से श्रीमान बसंत कुमार जी बिथी जी जैन आपके चरणों में बारम्बार नमोस्तु करते हैं, जानना चाहते हैं कि गुरुदेव क्या कारण है कि आजकल लोग समय की कीमत नहीं करते। लोग समय की कीमत इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनको खुद की कीमत पता नहीं। जिस दिन व्यक्ति स्वयं का मूल्य जानेगा उसी दिन समय का मूल्य जान पाएगा। समय की कीमत का एहसास उन्हीं को होता है जिनका हाथ से समय छूट जाता है। हम अपने जीवन का महत्व जाने, मूल्य जाने, हम समय को तभी सही अर्थ में मूल्य और महत्व दे पाएंगे। गुरुदेव सुदेश जैन माखन नगर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव आहार आदि कराने में, धार्मिक आयोजनों में, मंदिरों में, धार्मिक आदि में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि स्वाभाविक प्रकृति से ही महिलाओं में 5 पाप, 4 कसाय और भी अन्य बुराइयाँ पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम होती हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, पुरुषों की धार्मिक रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा कम क्यों होती है? देखिए, ये स्वाभाविक है। तीर्थंकरों के काल में भी श्रावकों से 3 गुनी संख्या श्राविकाओं की रही सभी तीर्थंकरों में। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि स्त्रियों में श्रद्धा गुण ज़्यादा प्रबल होता है और जिनके हृदय में श्रद्धा का भाव होता है वही धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। शायद उनके अंदर की श्रद्धा ही उनको पापों और अन्य कषायिक दुर्बलताओं से बचाती है। और जिसके हृदय में पाप मंद होता है वही सच्चे अर्थों में धर्म ध्यान करने के लिए उत्साहित होता है। जिसके हृदय में प्रबल पाप होता है वह धर्म ध्यान करने का मन बना ही नहीं सकता, जिन वो अहंकारी बन करके जिएगा। पुरुषों में भी जिनके पाप का मंदोदय होता है वे ही धर्म ध्यान करने के लिए उत्साहित होकर धर्म ध्यान कर पाते हैं और जीवन को आनंद से भर पाते हैं। इसलिए इस अर्थ में महिलाओं की सराहना होनी चाहिए कि वे धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। और पुरुषों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हम हर क्षेत्र में उनसे आगे होने की बात करते हैं तो धर्म क्षेत्र में पीछे क्यों? प्रेरणा लो, आगे बढ़ो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, तभी अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे और जीवन का हम सार्थक लाभ उठा सकेंगे। अन्यथा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा। कल भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक है आदिनाथ जयंती। आदिनाथ से महावीर तक चैत माह में पूरी 24 में आदि और अंत दोनों जयंतियां हैं।
हम कल मंगलाचरण करेंगे और उसी के अनुसार महावीर जयंती को अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।